पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था जुडिशरी के ऊपर, न्यायपालिका। और हमें एक बेसिक सी बात पता है कि भारत को तीन तरह की पालिका चला रही है, जिसमें सबसे पहली आती है विधान पालिका, जिसको आप कह देते हैं लेजिस्लेचर, और इसमें आती है बेसिकली संसद, जिसके तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी पालिका का नाम था कार्यपालिका। कार्यपालिका को एक शब्द में अगर आप कहें, इंग्लिश में कहें, तो एग्जीक्यूटिव, और इसी को आप कह देते हैं हमारी सरकार। इसके दो पार्ट हैं, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। परमानेंट है आईएएस लेवल के आदमी, सचिव, सेक्रेटरी, और टेम्परेरी है एमपी, स्टेट में एमएलए और देश में एमपी। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये संसद, इसका एक पार्ट सरकार। हो सकता है मिली भगत करके आपके आपका मेरा समाज का देश का नुकसान कर दें, इसलिए हमारी हेल्प के लिए कौन बनाई गई है? न्यायपालिका। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अभी का, प्रेजेंट का। आप सब जानते हैं आजकल ये वायरस की जो ये नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये बड़ा भयानक बता रहे हैं ना। देखो, जैसे पिछले दो साल का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, ये बात सबको पता है। हमने वो दिन भी देखे जब किसी के पिताजी, किसी की माँ की बेड पे पड़े पड़े सांसें उखड़ गई, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, हॉस्पिटल गए तो बाहर ही डेड बॉडीज की लाइन लगी। हम सब ने देखा वो। अब उन सबको देख के इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए, और सरकार को थोड़ा सा एक्टिव होकर जितने विदेशों से कॉन्टैक्ट थे ये क्या काट नहीं लेने चाहिए, जब ये पता है भयानक वेरियंट है ये। अब फिलहाल में सब फ्लाइट्स चल रही हैं, और कल के अखबार में था कि तंजानिया से पता नहीं कहाँ से कोई फैमिली आई है जिसमें से 9 आदमी 9 के 9 पॉजिटिव हैं। अब तुम ये देखो, कहने को तो वो 9 आदमी आए हैं, लेकिन वो जिस जिस के कॉन्टैक्ट में आते गए वो कितनी स्पीड से फैलेगा। और ये अभी फिलहाल भी सरकार कोई बड़ा स्टेप ले नहीं रही है। जब तक ये प्लानिंग करेंगे ना, तब तक कई 100 आदमी आ जाएंगे, और कई 100, कई हज़ार, और कई हज़ार, कई लाख, और लाख फिर करोड़ों में, फिर आउट ऑफ कंट्रोल होना ही होना। जैसे भारत की सरकार को क्विक डिसीजन तभी लेना चाहिए जब पता चलेगा तीसरा वेरियंट आ गया, तो उन देशों में जहां जहां एक्टिव है उनकी फ्लाइट तुरंत बंद कर दो ना। कितना भी इंपॉर्टेंट कोई भी काम हो, लेकिन इंसान की जान से ज्यादा नहीं है ना। और अब हमें ये पता है कि सेकंड जब इसकी वेव आई तो लोगों को सच में, कितने घरेलू लोगों ने भी, आप और मैं 100% किसी ना किसी को जानते होंगे जिनके घर में डेथ हुई है। जब ये पता है कि इतने भयानक है ये, तो क्या जरूरत है उसको बुलावा देने की? लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल चलेगा। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना, फिर कहेंगे फ्लाइट रोक दो। फिर फायदा क्या होगा भाई? ये वेरियंट आ बाहर से रहा है, इसका पता चल गया, तब भी जानबूझ के डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों कर रहे हैं? ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है कि ठीक है, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। अगर ये पहली बार होता तो चल जाएगा, चल जाता, लेकिन अब हम देखें तो ये दिखती बात है, आंख खोल के तो मक्खी निकलने वाला काम कर रहे हैं कि फैलने दो, अब इस चीज को यहां नहीं रोकेंगे। और फाइनली पता है इसका सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन है? जो बच्चे स्कूल में जा रहे थे, जो कॉलेज में थे, या जो आप लोगों की एज में जॉब्स की, जिनकी उम्र निकल जाएगी बैठे बैठे। जैसे एक पहली क्लास में बच्चा था, इसको सोच के देखो, पहली क्लास में बच्चा सीखता है क, ल, कल, च, ल, चल। वो बच्चा पहली क्लास के बाद सेकंड में एक दिन स्कूल नहीं गया, थर्ड में कभी गया, कभी नहीं गया, ये साल भी ऐसा ही गया। अब वो बच्चा अगर ठीक ठाक चीजें चली तो फर्स्ट से सीधे उस बच्चे की एंट्री अब फोर्थ में होगी। और तुम सब समझदार हो, एक बच्चे को फोन पे पढ़ाना को मजाक नहीं, ना ही बच्चा पढ़ सकता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, दिमाग उसका डाइवर्ट होगा ही होगा। मैं अपने खुद के घर की कहानी बताऊं, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, डेडिकेटेड है, हार्डवर्किंग है, पेपर अब तक चल रहे थे बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही पता चला आज का पेपर ऑनलाइन है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या था कि ओहो ये क्या ऑनलाइन कर दिया, मतलब या तो पुराने भी कर देते कि पढ़ते ही ना हम, अब जब तैयारी कर ही ली तो ऑनलाइन का क्या फायदा। तो आप ये सोचो, जिसने तैयारी नहीं की वो तो सोचेगा अच्छा हुआ ऑनलाइन हो गए। अब ऐसे कितने लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं अननोइंगली। जो बच्चा आज 9th में है, सोचो उसने 8th नहीं कर रखी, क्योंकि पिछले साल तो स्कूल एक दिन भी नहीं खुला। 9th में जो बच्चा है ये भी कम ही गया है, हार्डली 30-40 दिन गया होगा। अब ये बच्चा 7th में स्कूल गया था और अगले साल अब 10th आएगा, क्या मेंटल लेवल में कोई फर्क नहीं आता? जमीन आसमान का अंतर आता है। 7वीं का बच्चा होता है बच्चा, और 10वीं का बच्चा होता है अपने भविष्य को लेकर निर्णय करने वाला। कितना ज्यादा अंतर आ गया। ये घर बैठे बैठे कमरे में सीमित रहने से दिमाग का विकास थोड़ी होता है। तो ये अपने आप को देखो, इनका तो मैं दिखाई नहीं कितना नुकसान। 10वीं क्लास में बोर्ड के पेपर नहीं हो पाए थे पिछले से पिछले साल, क्योंकि ये मार्च में भयानक स्थिति आ गई थी। वो जो बच्चा 10वीं के पेपर दे रहा था उसकी 11वीं गई पूरी, अब वो 12वीं में है और 12वीं के एग्जाम अब चल रहे हैं जो अभी फिलहाल में है। पता होगा आप लोगों को किसी घर में है तो 10वीं 12वीं। तुम ये सोचो, उसने ना 10वीं के बोर्ड दिए, 11वीं उसकी ब्लैंक है, 12वीं के बोर्ड वो शायद नहीं दे पाएगा। इस हिसाब से वो बच्चा क्या काबिल बन जाएगा, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो? इस बच्चे का भविष्य तो खत्म कर दिया ना, और थोड़ी थोड़ी बेवकूफियों ने। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे घर में है तुम्हारे घर में, मैं बात पूरे देश की कर रही हूँ। ये इन चीज़ों की भरपाई कभी हो थोड़ी पाएगी। ये पीढ़ी जब आज से 5 साल बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उतरेगी ना, तो ये कमी इनको दिखेगी, क्योंकि ना तो 10वीं दोबारा करने का मौका मिलता, ना 11वीं, ना 12वीं। और सिर्फ इनकी बात नहीं, उनको देख लो, वो जो 7वीं से 10वीं में आ जाएंगे, या कोई बच्चा जो 3rd में था
उसने ना फोर्थ देखी ना फिफ्थ देखी, अब वो सीधे किस में आएगा, सिक्स्थ में। थर्ड और सिक्स्थ का सिलेबस एक जैसा होता है क्या? सिक्स्थ सीनियर क्लासेस की शुरुआत है और थर्ड बचपना है। जमीन आसमान का अंतर है सिलेबस में, सोच में, मेंटल लेवल में। आप इन सब के नुकसान को देखो, कैसे भरपाई करेगी सरकार। और इससे बड़े की बात करूं तो 12वीं के बाद जो लोग पहले कोई भी डिप्लोमा करते थे, कोई भी डिग्री करते थे, अब उनके 2 साल गए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कुछ भी ना करे ना बच्चा, सिर्फ घर से बाहर जाता भी है रोज तो भी बहुत कुछ सीख के आता है। खाली पड़े बच्चे से तो बहुत बेहतर है रोज जाके, चाहे वो वहाँ खाली दिखता हो, मैं आने जाने में भी चीजें दिमाग बढ़ा देती हैं। वहाँ यार दोस्तों के साथ बैठना, उठना, लाइफ को समझना, डिस्कशंस करना, बहुत चीजें आपको इंसान बनाती हैं। ये 2 साल बर्बाद गए। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जो लोग JBT कर रहे थे, डाइट कर रहे थे दिल्ली से, 2 ही साल का तो कोर्स था, ना फर्स्ट ईयर गए ना सेकेंड ईयर, अब ये एलिजिबल हो गए टीचर बनने के, एक भी दिन जाके झांके ही नहीं आए क्योंकि कॉलेजेस खुले ही नहीं, डिप्लोमा कोर्स कहाँ से करते। ऐसे ही डॉक्टर्स देखो 2 साल जो MBBS की पढ़ाई कर नहीं पाए, पास तो हो गए। ऐसे ही बीटेक करने वाले, IIT करने वाले, IIM। तो ये नुकसान ना, इस बात को समझो, ये नुकसान किसी एक के परिवार के बच्चे का नहीं है, ये पूरे देश का साझे का नुकसान है। कैसे तो ये डॉक्टर बनेंगे, कैसे ये टीचर बनेंगे, और लाखों की सीटें हैं हर चीज में, ये सब पास होते जा रहे हैं। और इनको छोड़ो, अपने आप को देखो, जो तुम में से कुछ लोग 2019 में आया था ना, 19 के एंड में, 20 में हम मान लें क्लासेस बंद हुई, जो 20 में 25 साल का था, 20 पूरा उसके हाथ से गया पेंडेमिक में, 21 में भी मान लो नहीं हिसाब बन पाया, पेपर नहीं हो पाया, एक आधे में रह गया, तो अब अगले साल की क्या गारंटी है कि 2022 में ये जल्दी पेपर ले लेंगे? जो स्थिति अब दिख रही है ना, इनको तो बहाना मिल जाएगा कि ना ले 6-8 महीने पेपर, पोस्टपोन करते जाएं करते क्या फर्क पड़ता है। और ये बता दूं, जिस दिन स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं ना, तो ये मान लो पेपर बंद, क्योंकि पेपर होते ही स्कूल कॉलेज में है, अगर उनको बंद करेंगे तो आपकी तो नौकरियों पर ये आंच आई की आई है। जो 25 से बैठे बैठे 27 का हो गया, क्या ये 2 साल कहीं मैटर नहीं करते जिंदगी में? सबसे ज्यादा मैटर करते हैं आप लोगों के जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करता पहली क्लास के बच्चे के लिए भी है साल मैटर, क्योंकि उसकी पढ़ाई एक एक साल से बढ़ रही होती है, पक रही होती है। पहली का बच्चा सीधे चौथी में आएगा तो कैसे सीखेगा? वाक्य बनाना, मात्राएं, ये सब सेकंड थर्ड क्लास में सीखी जाती हैं। इस चीज को समझो, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ना, सबसे बड़ा सेक्टर वो एजुकेशन है, कोई माने या ना माने। एक दुकान पे कपड़े नहीं बिके तो क्या फर्क पड़ गया? कोई बात नहीं, थोड़ा कम खा लेगा, कम अच्छे चीज़ों को यूज़ कर लेगा, लेकिन घर चला लेगा। जो एजुकेशन की कमी आ गई, उसको तुम पूरी कैसे कर दोगे? कभी भी हो नहीं सकती। जिसने 8वीं 9वीं नहीं पढ़ी ना, 7वीं से सीधी 10वीं में जो जाएगा, उसका एक बेस खत्म है। जो 10वीं से 12वीं क्रॉस कर गया सीधे कॉलेज में, क्या पता कॉलेज भी ना जा पाए, तो आप देखो उसकी जिंदगी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा उसने जिया ही नहीं, जिससे कि उसका दिमाग बढ़ता। तो इस चीज़ को समझो, और थोड़ी सी अपनी इसको इस पॉइंट से वापस जोड़ देते हैं कि कभी कभी ये दो मिलके भी नुकसान कर देती हैं। कौन कौन? संसद और सरकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों गड़बड़ कर सकती हैं। तब हमारा केयर टेकर कौन है? न्यायपालिका। तब न्यायपालिका को क्वेश्चन उठाना चाहिए कि आपको एजुकेशन सबसे पहले बंद करनी आती है, आपको ये फ्लाइट रोकनी क्यों नहीं आती? जब यूं पता चलता है कि गड़बड़ स्टार्ट हो गई और दुनिया कह रही है कि बहुत भयानक होगी, तो ये फ्लाइट्स कब रुकेंगी? जब बिल्कुल सिर पे आ जाए, गलियों में तो मर गए लोग, मरते जा रहे हैं, लाशें दफनाने की जगह नहीं, अंतिम संस्कार की जगह, तब जागेंगे, तब भी तो बंद करेंगे, तब बिजनेस बंद करने में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिजनेस को बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ लोग कुछ दिन दुखी रहेंगे, चाहे मैं भी हूं चाहे आप भी हैं, लेकिन उससे सफरर तो नहीं बनेंगे ना। ये चीजें आनी जानी है, पैसा आना जाना है, लाइफ तो एक ही बार मिली है, उसको रिस्क पे लगा के भी हमारी सरकार देखो कैसे कैसे स्टेप लेती है। तो उस टाइम पे हमारे लिए कौन सी पालिका खड़ी होनी चाहिए? और उनको डांटना चाहिए सरकार को, जहां गलत करती दिखे कि कहां सोए हुए हो। बाकी देश भी तो हैं, क्विक एक्शन लेते हैं जैसे ही पता चलता है। हमारे देश में एक्शन लेने में इतना टाइम लगा देंगे, तब तक वो इतना फैल जाएगा। अगर दिल्ली में एक बीमारी आ गई ना, तो 100% वो बीमारी हरियाणा में आएगी ही आएगी, क्योंकि दिल्ली हरियाणा लगे हुए हैं बिल्कुल। कितनी दुनिया रोज दिल्ली जाती है और वापस आती है, किसी ना किसी के थ्रू तो बीमारी आ ही जाएगी। राजस्थान दिल्ली से सटा हुआ है, हरियाणा से भी सटा हुआ है राजस्थान। अगर बीमारी सिर्फ दिल्ली में है ना, तो दिल्ली से 100% श्योर मानो हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में आ गई बीमारी। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली में बीमारी और आपका राज्य बच जाएगा। और जहां यूपी में आएगी तो यूपी से लगता फिर बिहार में क्यों नहीं जाएगी? एकदम से सारे में हाथ जो है ना, वो एकदम से जकड़ जाएंगे। लेकिन जब सरकार जागेगी तब देखो क्या करेगी। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 2 तरह के कोर्ट्स हैं हमारे लिए, कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देश में सिर्फ एक है, हाई कोर्ट टोटल 25 है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, एक था अंग्रेजों के टाइम में, कलकत्ता में बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो एज सच काम नहीं कर पाया था। एक कौन सा कोर्ट बनाया था? एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था। इसके खिलाफ सुनवाई होती थी प्रीवी काउंसिल। कहाँ थी ये? लंदन में। इसलिए हम कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो दिल्ली में बना था फेडरल कोर्ट के नाम से। हाई कोर्ट में सबसे पुराना कहेंगे तो हमें पता है कलकत्ता, कब बना था, और सबसे नया कहेंगे तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कहाँ पर स्थित है? अमरावती। कब बना है ये? 19 में, जनवरी में या जुलाई में बना था। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, और कोर्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया में कोर्ट्स इस तरह से हैं, शंकु आकार में, जिसके बेस पे आते हैं छोटे कोर्ट्स, जिन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
सेशन कोर्ट, है ना, इन दोनों को आप कह देते हैं सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ न्यायालय. इसके ऊपर आता है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट. इसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं है, बंद है, ब्लॉक है. ये सारे बड़े बड़े मामले देखता है आपके देश का सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़े मामले. आपका और मेरा सिर्फ एक मामला ये देख सकता है जो किससे संबंधित हो, मौलिक अधिकार. नहीं तो इंडिया में कोर्ट जाने का तरीका है, सबसे पहले एंट्री आपके केस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर क्राइम है क्रिमिनल टाइप का तो सेशन कोर्ट, अगर वसीयत है भाई मालिकाना हक की बात है या इस तरह की बातें हैं तो वो जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. अगर क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं दीवानी मामले, व्यापार संबंधी और इस तरह के, और इसमें जाते हैं फौजदारी. उर्दू शब्द हैं दोनों, फौजदारी होते हैं जिनमें क्राइम किया है. मर्डर टाइप की चीज़ें हमेशा सेशन जज सुनता है, और जो ये सुनता है डिस्ट्रिक्ट वाला, ये होता है लेन देन, व्यापार, कब्जा, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें. इन दोनों में ही जाना पड़ता है आम आदमी को, हम सीधे हाईकोर्ट जा ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं खोल रखा. अगर आप इनके जितने जजमेंट आएगी आप खुश नहीं हैं तो आपका रास्ता इसके बाद कहाँ का खुलता है, हाईकोर्ट का. हाईकोर्ट सिर्फ उन मामलों को देखता है जिनमें कि इंसान खुश नहीं है, अदरवाइज लोग सोचते हैं यार यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इन्होंने जजमेंट दी है तो उम्मीद है कि आगे जाके भी वैसी जजमेंट आएगी. बहुत कम लोग होते हैं जिनके केसेस हाईकोर्ट तक ले जाते हैं वो, नहीं तो लगभग लोग ना यहाँ के बाद समझ जाते हैं कि भाई जजमेंट जो मिली है ऐसी ही आगे मिलने की उम्मीद है. फिर भी एक आधे को लगे कि मेरा केस दमदार था, सच्चा था, फिर भी मुझे हार देखनी पड़ी, तो वो हाईकोर्ट में अपील डाल सकता है. हाईकोर्ट आपके देश में लगभग लगभग सारे में है, बहुत सारे साझे के भी हैं, और बहुत सारे हाईकोर्ट्स की तो अपनी जो बैठक है वो कैपिटल में होती है, लेकिन कईयों कि कैपिटल में नहीं भी है, कई हैं इस तरह के. हाई कोर्ट्स में जो जजेस बैठते हैं ना, इनमें एक प्लस क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क हर राज्य का अलग अलग है क्योंकि हर जगह के मामले अलग हैं. इतने ज्यादा आप सोच नहीं सकते, 23 लाख से ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है 5 साल के अंदर अंदर. तो सोचो 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, आपके यहाँ करोड़ों केसेस ऐसे चलते रहते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता. दब गई फाइल, पता नहीं कितने साल साल केस चले, एक पीढ़ी केस लड़ते लड़ते मर गई, दूसरी भी कैरी ऑन कर रही है. यहाँ हमेशा जजेस की कमी मिलती है और इतने मामले होते हैं कि ये देख ही नहीं पाते सारे मामलों को. ये हाईकोर्ट के बाद अगर कोई खुश नहीं है हाईकोर्ट के रिजल्ट से भी, इसने जो जस्टिस ने जो भी बताई है बात, तो वो कहाँ अप्लाई कर सकता है. बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आम आदमी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, पर किसी को लगता है कि मेरा मौलिक अधिकारों का मामला था तो वो डायरेक्ट रास्ता खोल रखा है सुप्रीम कोर्ट का. आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, तो जरूरी नहीं है आप डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में जाएंगे. आप कहते हैं मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, आपके पास उसके संबंधित कोई कागज है और 100% मौलिक अधिकार ही है, तो फिर सीधे हाई कोर्ट का रास्ता खुला है आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में. लेकिन ये रास्ता सिर्फ कंडीशंस के साथ खुला है, आम आदमी का नहीं है. किसी के प्लॉट पे कब्जा हो गया तो हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा. हाँ, किसी की समानता स्वतंत्रता जैसे फंडामेंटल राइट छीने जाएं तो यहाँ के रास्ते खोल रखे हैं उस किताब ने जिसको आप कहते हैं हमारे देश का संविधान, अदरवाइज यहीं से रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा. हाई कोर्ट से जो नाखुश है, मान लीजिए इससे भी, तो फिर उसका रास्ता खुलता है सुप्रीम कोर्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, और मैंने अभी बताया आपके यहाँ लाखों केस, 23 लाख से ज्यादा तो 5 साल के अंदर पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट्स में. इतनी बुरी हालत है, तो केस ले जाके फिर वकील क्या करता है, वो आगे तारीख लेता रहेगा, पैसे खाता रहेगा, फिर तारीख लेता रहेगा, फिर पैसे खाता रहेगा. तो इसलिए बहुत सारे लोग तो यहां तक पहुंचते ही नहीं है, वो यहीं से जजमेंट के बाद मान जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट आपके देश में इकलौता है, और यहां पर जब ये बना था ना आपके देश में, तब कहा था 1+7 जजेस बहुत है, यानी कुल कितने हैं 8, लेकिन आज हम जानते हैं 1+33 यानी कितने 34 जजेस हैं. और ये बहुत प्राउड की बात है कि इस साल में पहली बार इन 34 में से 4 महिलाएं हैं, और शायद एक महिला नागा रत्ना जो 2027 में जाके भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी रिटायरमेंट से ठीक एक महीना पहले. यहाँ लोग रिटायर हो जाते हैं 65 साल में, यहाँ रिटायर हो जाते हैं 62 साल में. ये नॉर्मल 60 साल वाला जैसे एक सरकारी नौकरी का प्रोसेस होता है उसके हिसाब से. इतना सबकी समझ में आ गया था, ठीक है. अब हम लोग बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, जो टफ पॉइंट्स होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा. 139 पेज पर आ जाओ, 139 पर सुप्रीम कोर्ट. मैंने इसका शायद पहला पेज तो पढ़ा दिया था, है ना, और टेबल में ज्यादा कुछ नहीं था. एक 124 कराया था, एक 143 कराया था सलाहकारी वाला, और बताया था कि कौन सलाह मांगता है. दो आदमी टक्कर के हैं, कौन कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसको किसी प्रॉब्लम में फंस गया, इसको साइन करने हैं किसी विधेयक पर, उसको लग रहा है गलत है, तो किससे डिस्कस करेगा ये, CJI की मर्जी इसको सलाह दे या ना दे. लेकिन अगर कोई मामला बहुत पुराना है और किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ शांति पर संबंधित है, किसी अड़ोसी पड़ोसी देश के साथ संधि समझौता है, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच की बात कर ले, हम आपस में जब तब लड़ते रहे, शुरुआत में तो बहुत लड़ाइयाँ हुई ना 47 के तुरंत साथ ही लड़ाई स्टार्ट हुई. हमारे बीच में लड़ाइयों के बहुत कारण थे, कभी हम टेरिटरी को लेकर लड़े, कभी हम नदियों के पानी को लेकर लड़े, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी बहती है जिसे आप कहते हैं सिंधु या इंडस.
इंडस ना हमारी ना पाकिस्तान की, बहती है अपने यहाँ से भी और वहाँ भी, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके पूरे देश को कवर करके फाइनली वहीं से वो पानी में गिर जाती है नीचे अरब सागर में, तो इसलिए कहते हैं उनकी इंपॉर्टेंट नदी है। लेकिन गुजरती हमारे यहाँ से भी है, 706 या 708 कुछ किलोमीटर तो अपने यहाँ से गुजरती है। इसकी टोटल लंबाई लगभग 2900 है, 2880 है, लेकिन तुम 2900 अगर पॉलिटिकल में बात करें, ज्योग्राफी में सर एग्जैक्टली बता देंगे, तो लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी है सिंधु या इंडस। इसी नदी के किनारे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता, वो सारी चीज़ें। तो आप ये देखो, ये नदी आपकी भी नहीं है, ये नदी निकल के आती है तिब्बत से, तिब्बत जो कि किसके अधिकार में है, चीन में। अब चीन के तिब्बत में झील पड़ती है मानसरोवर, यहाँ से ढेरों नदियाँ निकलती हैं जिनमें से तीन की एंट्री इंडिया में है, एक सिंधु, एक सतलुज, एक ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स में आती है ना, आपकी सबसे बड़ी नदी भी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन तीनों की लोकेशन अलग अलग है। एक इस तरफ से, ये देखो इस तरफ से, एक तो ऊपर, एक इधर ही पंजाब की तरफ, एक यहाँ से इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तीन नदियां हैं कई निकलने वाली, लेकिन आपसे मतलब है तीन का। तो ये जो सबसे बड़ी मैंने इधर बना दी ना, ये सिंधु, जब ये इंडिया में एंटर करती है तो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा क्रॉस करती है ये, और इस नदी पर आपने बांध बना दिए। भाई नदी है, मीठा पानी है, तो बांध बना के बिजली बना लें और सिंचाई के लिए पानी यूज कर लें, बहुत तरीके होते हैं। तो इस नदी के पानी को जब आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पानी की मात्रा घट गई है। तो जब ये पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान का कहना था कि भारत ने इसको बहुत ज्यादा यूज कर लिया और मेरे यहाँ पानी की दिक्कत होती है। तो हमारी और उनकी लड़ाई का डिस्प्यूट का एक कारण बन गया सिंधु जल। तो सिंधु जल पे हमने और इन्होंने रोज लड़ने से अच्छा समझौता कर लें, 1960 में सिंधु जल समझौता किया, पेपर में आता है ये सिंधु जल समझौता। कौन से सन में किया पहले सिर्फ सुन लो, इसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, पांच नदियां हैं ना पंजाब की। कौन सी हैं पंजाब की पांच नदियां? पांच नदियां पंजाब की हैं, देखो बोर्ड पर ये है, कौन सी है इससे, सतलुज, सिंधु से अलग है ये, बी मतलब ब्यास, आर मतलब रावी, झेलम, झेलम और हाँ चिनाब भी लिख देते हैं और चेनाब भी लिख देते हैं, पांच नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। इनमें से रावी का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि रावी नदी के तट पर ही 1929 में 31 दिसंबर को पंडित नेहरू ने एक शब्द लिया था, पूर्ण स्वराज। इसका मतलब था पूरा खुद का राज, अपना राज। यहाँ से आपके देश की आज़ादी की बात उठी थी, तो रावी नदी के तट पे पंडित नेहरू ने उस टाइम की कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बैठक की थी और इस नदी के किनारे खड़े होकर कहा था भारत को अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए। ऐतिहासिक नदी मान लीजिए रावी को, क्योंकि ये शब्द इससे पहले आपके इसमें आज़ादी की लड़ाई में कहीं था नहीं। ये पाँच नदियाँ और एक इंपॉर्टेंट नदी, कौन सी नदी, सिंधु। ये पाँचों भारत से होकर गुजरती हैं, कुछ कुछ हिस्सा इन पाँचों का, और फाइनली जाके ये सारी इस सिंधु में गिर जाती हैं। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मीठन कोट, नाम है उस जगह का मीठन कोट, मीठा पानी इससे याद कर लो मीठन कोट। यहाँ सारी नदियाँ जाके किस में मिल जाती हैं, सिंधु में, और फिर सिंधु का पानी बढ़ जाता है और जाके ये नीचे गिर जाता है अरब सागर में, अरेबियन सी में। तो इस नदी के पानी पर डिस्प्यूट था जिसको खत्म करने के लिए सिंधु जल समझौता किया गया 1960 में, और कहा गया भाई इंडिया को सारा पानी यूज नहीं करना क्योंकि इंडिया में इसकी लेंथ बहुत कम है, इंडिया इसका पानी यूज करे 20%। तो जितना टोटल पानी है ना इसका 20% हम यूज कर सकते हैं, कौन सी नदी का, सिंधु, झेलम और चेनाब का, ठीक है, इन तीन नदियों का। यह है सिंधु जल समझौता। अब मान लीजिए इस पे कोई डिस्प्यूट उठता है और प्रेसिडेंट को कोई दिक्कत हो गई, उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो किससे बातचीत करेगा, तो प्रेसिडेंट सीजेआई से पूछेगा कि सर ऐसे ऐसे 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु वाटर ट्रेटी हुई थी, उसमें अब ये डिसीजन लेना है, सरकार ये कर रही है, क्या मैं साइन कर दूं? तो फिर ऐसी कंडीशन में सीजेआई मना नहीं करेगा, ये बाध्य है, देश से जुड़ी बात है ना। कोई वैसे छोटी मोटा कुछ सलाह लेनी है तो इसकी मर्जी है, ये हाँ करे या ना करे, दे सलाह या ना दे, लेकिन अगर कोई देश का बड़ा मुद्दा है तो फिर इसको कह रखा है बाध्य है, आपको सलाह देनी पड़ेगी। एक अकेला सलाह गलत दे सकता है, इसीलिए इसे चार लोगों का एक पूरा बेंच बनाना पड़ेगा। तो चार तो वो हुए और एक ये, कितने लोग हैं ये, पांच। तो पांच डिस्कस करके तब किसको सलाह देंगे, राष्ट्रपति को, और इसके लिए आर्टिकल है 143, ये आपकी उस किताब में लिखा है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इन दोनों के बीच में सलाह की बात करता है, आर्टिकल 143 में, जल्दी से पढ़ो अब इसको, पेज 140 पर ऊपर देखो, 143 था टेबल में लिखा था ना, मैंने टिक भी कराया था, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की किसकी शक्ति है, ये राष्ट्रपति की। अब नीचे आ जाओ हेडिंग पर, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये नहीं पढ़ा था हमने, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों का विनियमन से संबंधित जितनी शक्ति है भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला पॉइंट अंडरलाइन करना, मूल संविधान में यानी उस ओरिजिनल बुक में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8, 1+7 लिख लो यहाँ। तो पूछेंगे कि मूल संविधान में कितने जजेस का प्रावधान था, 8 का, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और बाकी अन्य, सिर्फ 8। अब कितने कर दिए हमने, 34, है ना, 34, इसलिए क्योंकि मामले भी बढ़ गए ना, पहले लोगों में उतनी समझ नहीं थी।
इसके बाद अगला पॉइंट अब तुम्हारे काम का नहीं है, सिर्फ पढ़ेंगे, टिक मत करना। 2008 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी। इस तरह लिखा 31 है, थी ये, लेकिन अब कितनी है? 1+33 लिख लो, प्रेजेंट में 1+33 है, प्रेजेंट में 1+33। तो 1+8 याद रखना और 1+33, 1+7 सॉरी, हाँ कुल 8 थे ना। अगला पॉइंट देखो लिखा ही हुआ है, सिर्फ पढ़ लो इसको भी। अगस्त 2019 में संसद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 का प्रस्ताव पारित किया गया और यह जारी कर दिया गया। अब तो प्रेजेंट में पूछेंगे तुम, कहोगे 1+33, पुराना कहेंगे तो 1+7 का था, कुल 8 थे, अब 34 हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसको टिक कर लो, नियुक्ति राष्ट्रपति। अगला पॉइंट भी, अनुच्छेद 124, इसको थोड़ा सा समझ भी लेना। दो जगह के जजेस हमारे काम के हैं, कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ध्यान से बोर्ड पे समझना, 1+33 और 1+?, क्योंकि ये डिसीजन अलग अलग है हर राज्य का। अब इसमें से सुनो और समझो पहले इसको, ये पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा। मान लो ये हट गया, किस एज में हट जाता है? 35 में। तो पहले पता है क्या था? सबसे पहले था कि भाई जिसको चाहते थे बना देते थे। 1973 में इंदिरा गांधी, 1975 से 77 इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री थी, और आपको मैंने बताया होगा आपातकाल लगा था देश में 75-77। इंदिरा गांधी के ऊपर ब्लेम लगा 71 के इलेक्शन में चीटिंग करने का, और एक केस चल पड़ा। उसी बीच में इंदिरा ने जुडिशरी में भी बहुत गड़बड़ियां की। कैसे गड़बड़ियां की? हमेशा से क्या होता आया था, जो भी 1+ मान लीजिए 7 थे या जितने भी रहे होंगे, इनमें जो सीनियर मोस्ट जज होता था ना, उसी को चीफ जस्टिस बनाते थे हमेशा से। भाई हमेशा घर में भी तो ये होता ना, किसी के मान लीजिए दादा एक्सपायर हो गए, तो ताऊ जी को रस्म पगड़ी में जो सारी रस्में उनके हिसाब से होती हैं, फिर उनके बड़े बेटे, ये एक इंडिया में प्रचलन है। यहाँ भी था, जो सीनियर मोस्ट है वो CJI बनेगा। लेकिन इंदिरा ने अपने हिसाब से देश की न्यायपालिका में बदलाव किया, और 73 और 75 में उन्होंने 2 सीनियर मोस्ट जजेस को पीछे करके और एक बार 3रे नंबर वाले को बना दिया और एक बार 5वें नंबर वाले को। ये ठीक किया या गलत किया? गलत किया। जब ये गलत किया ना, तो जजेस को लगा रहे तो हमारे साथ मजाक हो रहा है, तो इन्होंने बाद में जाके कहा ये नहीं चलेगा और इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। 1993 में एक व्यवस्था बनाई गई जिसको नाम दिया गया कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब था एक सीनियर मोस्ट जज जो हटने वाला है, मान लीजिए अगले महीने हटेगा कोई, इसको समझ लेना, नहीं समझ में आया तो तुम्हें फिर ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, किताबों में लिखा नहीं है ये बहुत टफ है टॉपिक, इसको बहुत आसानी से समझा रही हूँ। कोलेजियम एक सिस्टम है जिसमें एक जब हटने वाला है ना, ये मान लो रिटायरमेंट आ गया अगले महीने, इसको पता है मैं अगले महीने हटूंगा, ये इसी महीने क्या करेगा, इसी महीने सीनियर मोस्ट 4 जजेस को लेगा और उनके साथ डिस्कस करेगा कि देखिए भाई मेरी तो रिटायरमेंट आ गई अगले महीने, आप में से सबसे सीनियर मोस्ट कौन काबिल है? तो वो चारों अपने में से जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, एज्ड होगा, उसका नाम सजेस्ट कर देंगे, और फिर वो नाम बता देगा राष्ट्रपति को कि सर मैं तो हटूंगा जनवरी के आखिर में और अब अगला CJI ये बनेगा। यानी 4 लोग सबसे सीनियर, जो मान लीजिए 33 में से हुआ करते थे या 25 में से हुआ करते थे, उनमें से कोई एक बन गया। ये भी ठीक तरीका था। ये लंबी व्यवस्था चली, इसको बोलते हैं कोलेजियम। इसमें एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य, कितने लोगों गए? 5। 5 में से जिसका नाम जाएगा, एक तो हटने वाला है, उन 4 में से उस आदमी को CJI बना देंगे। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, घर का बड़ा ही घर का मुखिया बनना चाहिए। 1993 की इस व्यवस्था को चलते 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 जब लंबा टाइम बीता और आपकी ये सरकार आई, मोदी सरकार, 2014 में, ये मई जून में बने, इन्होंने तुरंत से सोचा कि कैसे न्यायपालिका को भी कैप्चर किया जाए, तो इन्होंने तुरंत में आनन फानन में अगस्त में एक प्रावधान किया और कहा ये कोलेजियम पोलेजियम नहीं चलेगा और अब के बाद देश में NJAC चलेगा, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और इसका मुखिया हम बनाएंगे, प्रधानमंत्री और जो विधि मंत्री होगा ये, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। एक तरह से अपनी टांग बीच में अड़ाना चाहती थी सरकार न्यायपालिका के जजेस की अपॉइंटमेंट में, जो कि गलत था, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, ये दो इकट्ठी चलती हैं। कौन कौन सी? विधान पालिका और कार्यपालिका, इनके बराबर साइड में कौन चलती है? जैसे ये गलती करते हो बीच में आके अड़ जाते, गलती क्यों कर रहे हो, देश का क्या होगा? अब ये चाह रहे थे कि इसको भी हम ही देखें, तो गलत था ना ये, इसका विरोध किया खुद जजेस ने, और जजेस जब विरोध करेंगे तो आप सोचो फिर तो चीज जीतने के चांसेस होंगे। सरकार एक तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक तरफ जजेस आ गए सुप्रीम कोर्ट के, और ये केस चल पड़ा। ये केस चला 2015 में और जनवरी में खूब बहस हुई आपस में सरकार की और जजेस की। तो जजेस ने कहा आपको ये दिया किसने हक की, आप डिसाइड करेंगे कि हम कैसे लगेंगे, हम खुद डिसीजन लेंगे कि हम कैसे लगेंगे, और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि आपकी हमारे ऊपर किसी तरह की छाया नहीं होनी चाहिए, आप हमसे अलग हैं। फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गई, बहस में उनके सामने थोड़ी टिक पाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, हार गए। और हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा
ये जो आपने अमेंडमेंट कर दिया ना हमें हमारे लिए, कौन सा अमेंडमेंट है 99, इसको पूरी तरह निरस्त करो और ये इलीगल है, बननी नहीं चाहिए एनजैक। अब सरकार को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पे आई सरकार कि ठीक है भैया तुम कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे, हट गई पीछे। लेकिन इनको भी लगा कि कोलेजियम में भी गड़बड़ हो सकती है, कोलेजियम में हो सकता है दो चार आदमियों को ये पैसा खिला के अपने फेवर में कर ले, तो कहा ना कोलेजियम चलेगा ना एनजैक चलेगा, एक नया सिस्टम लेके आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया, नाम दे दिया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, बिल्कुल नया है ये। और 2019 में इसके तहत भर्तियां होनी शुरू हुई है। एमओपी क्या है? एक सिस्टम है, इसको ध्यान से समझना। मैंने एक बार ये बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज पूरा समझ लो। इसमें एक तरफ मान लीजिए देश का राष्ट्रपति है और इसके नीचे बड़ा आदमी कौन है? पीएम। और एक बहुत बड़ा अगर देखें तो विधि मंत्री। मैं विधि की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भी तो कानूनों की बात करते हैं, तो कानून मंत्री। अब एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, हम सुप्रीम कोर्ट से समझते हैं, ये 1+33, ये एक रिटायर होने वाला है। तो पहले तो क्या करते थे, एनजैक चाहता था हम कर दें और कोलेजियम कहता था हम अपने आप में से खुद ही बना लेंगे। तो अब कहा जो ये रिटायर होगा ना एक, इसकी चिंता इनको है यार ये हटेगा कौन बनेगा। तो जैसे ही एक की रिटायरमेंट आएगी, इसको समझ लेना, एक की रिटायरमेंट आएगी तो ये तुरंत से विधि मंत्री की चिंता है कि यार विधि का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट है और अगर ये यहाँ से हट गया तो मेरा क्या होगा, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी। तो ये तुरंत से एक्टिव हो जाएगा और ये कहेगा सर आप हटने वाले हैं, नाम बता दीजिए किसका आगे भेजना है। तो ये अपने आप कुछ लोगों का नाम, जो इनमें सीनियर मोस्ट होंगे ना, भाई 3-4 ही आदमी काबिल होते हैं, सारे तो बराबर नहीं होते, तो ये उनके नाम को भेज देगा विधि मंत्रालय को कि सर मेरी रिटायरमेंट के बाद ये दो नाम हैं, दोनों इक्वल एज इक्वल एक्सपीरियंस है आप देख लीजिए। अब विधि मंत्रालय इसकी जांच करेगा कि ये नाम ठीक है, कितने केस लड़े, कब इनकी ज्वाइनिंग हुई, कितना एक्सपीरियंस है, क्या एज है, सारी चीजें देख के ये कहेगा बिल्कुल ठीक है सर आपने जो कहा। अब ये बात किसको बताएगा, ये पीएम को, पीएम को शिनाख्त करने के बाद बताएगा हाँ ठीक ठाक है सारा केस। पीएम किसको बता देगा? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा। अब मान लीजिए नीचे वाला कोई हटा, क्योंकि नीचे वाले भी तो हटते रिटायर होते हैं, इनमें से मान लीजिए 3 हट गए, 30 रह गए, अब ये 3 और बनाने हैं तो अब चिंता इसको नहीं है, ये 30 जो रह गए तो काम इस पे बढ़ गया ना भाई, काम की जिम्मेदारी तो इसके कंधों पे है, तेरे 3 आदमी अगर कम है तो तू चिंता कर ना। अब इसको चिंता हुई, इसने इसको कहा सर मेरे यहाँ आदमियों की कमी है, केस ज्यादा है, मुझे 3 आदमी और चाहिए यहाँ पर, तो ये कहेगा ठीक है नाम दो, तो नाम दिए जाएंगे। नाम के ऊपर फिर से ये देखेगा, जांच पड़ताल करेगा कौन ठीक है कौन गलत है, किसने केस सुने, किसका ठीक ठाक रहा है, फिर ये सेम बात किसको बता देगा? पीएम। और पीएम किसको बता देगा? बस चिंता अलग अलग लोगों को है, अगर पहला हटता है तो चिंता है विधि मंत्रालय को, और अन्य हटते हैं तो चिंता है इस पहले की, दोनों को चिंता करनी है अपने अपने काम की। सिस्टम सेम चलेगा, विधि मंत्री बताएगा पीएम को और पीएम बताएगा राष्ट्रपति को। अब यहाँ घुसने का एंट्री का तरीका क्या है, आप 30 से ही एक में जाते हैं, मान लो 30 तो पूरे कर देते हैं, 33 कोई डायरेक्ट CJI आज तक नहीं बना, उसे पहले हाई कोर्ट में जज बनना पड़ता है या हाई कोर्ट में वकील बनना पड़ता है, उसके बाद रास्ता खुलता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे के जजेस का। अब ये 4 औरतें हैं जिनमें से मैंने कहा एक के चांसेस हैं रिटायरमेंट से ठीक 1 महीना पहले शायद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, अगर ऐसा होता है इन 33 में से ही कोई एक बनता है, कोई एक, 32 रह जाते हैं, फिर वो हटेगा, फिर जो 33 होंगे उनमें से कोई एक बनेगा, यानी इसमें डायरेक्ट CJI बनने का कोई प्रावधान नहीं है। पहले आप हाई कोर्ट में आइए, और हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट नहीं आ सकते, वहां भी आपको पहले वकालत करनी पड़ती है, तो सबसे पहले वकील बना जाता है, 10 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, फिर आप एलिजिबल हैं हाई कोर्ट में आने के, हाई कोर्ट में आप 10 साल वकालत करते हैं या 5 साल जजमेंट करते हैं तो फिर आप काबिल हैं सुप्रीम कोर्ट में नीचे वाले एरिया में आने के, और जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं आपका नाम होता है तो फिर शायद आप कहां तक पहुंच जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? ये टफ प्रोसेस है, ये बहुतों के पल्ले नहीं पड़ता कि एमओपी है क्या चीज। दो तरह की चिंताएं हैं, अगर CJI हट रहा है तो चिंता है विधि मंत्रालय की, और उसके अंडर काम करने वाले कम हो रहे हैं तो CJI, क्योंकि काम तो इसको लेना है ना। ये 34 जज ऐसा नहीं कि खाली बैठे रहते हैं, इनका बंटवारा किया जाता है काम का, उसको बोलते हैं रोस्टर। रोस्टर में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 34 जज हैं कुल मिला के, क्योंकि एक उसको भी जोड़ लें, 4-4 के ग्रुप बना देगा या 3-3 के, जैसा CJI को ठीक लगे। भाई तुम 3 जजेस देखोगे मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले, तुम 2 ग्रुप देखोगे जो हाई कोर्ट के मामले आएंगे, इसको कह देंगे तुम देखोगे राष्ट्रपति अगर सलाह मांगेगा, यानी अलग अलग काम का एलोकेशन, अलग अलग काम का बंटवारा कौन कर देता है देश का? CJI। क्योंकि 34 ऐसे नहीं कि तू भी देख ले मामला, नहीं, काम का बंटवारा है, मौलिक अधिकारों का आप 3 देखेंगे, उसमें कोई बाकी 30 हमारी टेंशन नहीं है कि क्या करना है, अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी आप और मैं, क्योंकि ये तो रहेगा ही हर चीज में आगे। कभी कभी ऐसा होता है कोई मुद्दे बहुत बड़े होते हैं तो वहां पे जुडिशरी की बेंच बनानी पड़ती है। जुडिशरी की बेंच ज्यादातर बनती है धार्मिक मुद्दों पर, जैसे राम मंदिर था ना अयोध्या वाला, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी 92 में, तब से चिक 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 चल रही थी। अब फाइनली जाके पिछले साल बेंच जब बनी थी 5 जजेस की, फिर इन्होंने इसके ऊपर सारा मसला देखा पढ़ा और जो भी किया, और ब्लास्ट में जाके ये 3-2 से बेंच ने कहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा। तो हमेशा जब भी बेंच बनती है ना मिनिमम 3 की बनती है, क्योंकि जब वोटिंग
होगी तो दो और में तो एक एक बढ़ जाएंगे ना. मिनिमम बेंच जो बनेगा 3 जजेस का, वैसे 5 का ज्यादातर बनाते हैं, 7 का भी बन सकता है, 9 का भी, 11 का भी, 13 का भी. आज तक सबसे बड़ा बेंच 13 जजेस का, केशवानंद भारती मामला 1973. मैंने आपको बताया भी था, केरला के एक आदमी ने यह कह दिया था, मौलिक अधिकारों के तहत हमें संपत्ति रखने का अधिकार है, धार्मिक अधिकार के तहत आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 26 का उसने केस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर. तब यह मामला देश का सबसे बड़ा मामला बना था आज तक का. 13 जजेस बैठे थे बेंच में, 6 एक तरफ थे और 7 एक तरफ. यह सबसे बड़ा मामला था 13 जजेस का. तो ये कई बार बेंच के लिए भी जजेस एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं. तो इस तरह से आपके देश में ये टेंशन कभी विधि मंत्रालय लेता है कि कौन आएगा, और कभी सीजेआई लेता है. देखो जरा इसमें चांसेस थोड़े से घट गए, क्योंकि विधि मंत्री जो है ना, जैसे पहल किसने की है, पहल सीजेआई ने. तो विधि मंत्रालय है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना नहीं. वहां तो वो कह रहे थे हम ही हैं, हमसे ही पूछ के तुम्हारी नियुक्ति होगी. वहां एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा था, वो गलत हो जाता. एनजैक पूरी तरह सरकार के अंडर था. इसमें सरकार सलाह देगी, ये सरकार को, और सरकार इन्हें, सरकार थोप नहीं सकती. वहां सरकार इनके सिर पे बैठने वाली थी, इसलिए बंद करवाया. चलो देखो इसमें पहला पॉइंट कहां पहुंचे हम लोग, नियुक्ति राष्ट्रपति पर ना. अगला पॉइंट देखो, अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है, इसको अंडरलाइन कर लेना. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा. तो किससे परामर्श लेना जरूरी है, सीजेआई. अब अवश्य का मतलब मर्जी है या जबरदस्ती है. अगर एनजैक बन जाता तो कह देता नहीं लेते परामर्श, हमारी मर्जी, हम तो अपनी मर्जी से बनाएंगे. कौन नीचे रह जाती इसमें, न्यायपालिका, और कौन ऊपर आ जाती, सरकार. अब क्या लिख दिया, अवश्य लेगा, उससे पूछना पड़ेगा जरूर, क्योंकि इसके अंडर काम करेगा. नेक्स्ट टिक कर लो, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त परामर्श के आधार पर, डबल टिक कर लो, परामर्श, बिना इनसे पूछे इनकी नियुक्ति नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट की. अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पहले 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करेंगे, और न्यायाधीशों से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देंगे. तो इसमें एक आदमी की चलेगी या पूरे बेंच की चलेगी, बेंच की चलेगी, इसलिए ये ज्यादा बेहतर है. इसके बाद नीचे पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या क्या कम से कम पढ़ाई लिखाई कर रखी हो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए. 3 कंडीशन है, कोई सी एक पूरी कर देना, और हैं ये. जैसे तुमने 8वीं 9वीं में नहीं, निम्न में से एक पर निबंध लिखें और करके, एप्लीकेशन लिखें और, तो एक था इनमें से कोई एक. इसको भी ध्यान से सुन लो, कोई भी आदमी जिसने 5 साल तक जज, कहां पर जज रहा हो, हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट में 2 में या 4 में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने हाई कोर्ट में जजमेंट कर रखी हो कम से कम कितने साल तक, 5 साल तक, या 10 साल तक वो अधिवक्ता रहा हो. क्या आपको लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस पता है, लॉयर कौन होते हैं, जिसने पढ़ाई कर ली. एडवोकेट कौन होते हैं, पढ़ने के बाद काउंसिल का पेपर पास करके, जो उनका पेपर है मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला, और फिर वो केस लड़ने के काबिल है. कितने साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल. मान लीजिए दोनों नहीं है, तो राष्ट्रपति की नजर में किसका ज्ञाता हो, विधि, विधि का ज्ञाता, या इसको आप टफ भाषा में कहें तो विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता, यानी जिसको बहुत ज्यादा समझ हो विधि की. आज तक इतिहास में 70-71 साल बीत गए, एक भी आदमी या औरत यहां से नहीं गए. 99% लोग जज बनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, लेकिन 10 या 11 जजेस हैं जो अधिवक्ता थे और डायरेक्ट क्या बन गए, वो जज बन गए. जज बनना बहुत बड़ी बात होती है. 3 शब्द शायद मैंने आपको बताया, मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस, बताए थे ये या नहीं बताए. एक शब्द होता है मजिस्ट्रेट, एक होता है जज, और एक होता है जस्टिस. इनमें सबसे बड़ा कौन है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कभी सुना चीफ जज ऑफ इंडिया. जस्टिस पे आंख बंद करके विश्वास करना होता है, और जस्टिस की जबान से जो निकल गया वो भगवान के बराबर मान लिया हमने, और आप उसकी बात को काट नहीं सकते. जजमेंट गलत हो सकती है, लेकिन जस्टिस का दिया हुआ जो भी बयान होगा, जो वो जजमेंट करेगा, उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ कहीं कोई विरोध प्रदर्शन, या आप ये नहीं कह सकते कि इस आदमी ने गलत किया. इसको आपने भगवान के बराबरी का दर्जा दे रखा है. यहां पहुंचने के लिए आपकी नॉलेज सच में इस लायक हो कि आप गलत को गलत कहें और सही को सही कहें. आप ये सोचो, इनका एक फैसला किसी की मौत बन जाता है, यानी इनको अपने भगवान मान रखा है. जजमेंट जो करते हैं ना, इनसे गलती हो सकती है, इसलिए इनके खिलाफ भी सुनवाई हो सकती है, लेकिन जस्टिस की बात को अंतिम मान लिया जाता है. मजिस्ट्रेट सिर्फ पढ़ाई करने से बन जाते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. जज बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपने पढ़ाई लिखाई के अलावा काम भी कर रखा हो. ये हो सकता है थ्योरी पढ़ के आ गए, इन्होंने पेपर पास कर लिया और डायरेक्ट ये एसडीएम बन गए. जैसे आपके यहाँ आईएएस सुना ना, कई बार एसडीएम के रैंक पे जाते हैं जिलों में. ये बनने के लिए सिर्फ कागजी किताबी नॉलेज होने से भी आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं. मजिस्ट्रेट मौत की सजा नहीं देता, ये दंडाधिकारी है, दंड देने का अधिकारी है, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं. ये सजाएं मौत टाइप की चीजें नहीं देगा, और देगा तो उसके खिलाफ सुनवाइयों के प्रावधान हैं. ये गलती नहीं कर सकते, और ये बहुत ज्यादा सेंसिबल होने चाहिए.
क्योंकि आप सोचो इनको आपने ये मान लिया कि जो इसने कह दिया ना आदमी ने, जिनको जितने लोगों को फांसी हुई है, आप सोचो उनके पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। एक आदमी की फांसी परिवार की बर्बादी है, एक आदमी की पूरी जिंदगी का लाइफ इंप्रिजनमेंट कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता है अगर वो गलत है तो। सही है तो ठीक किया। इनके हाथ में भगवान के बराबर की पावर दे रखी है, जस्टिस कभी गलत नहीं होते और आप इनकी बात को नकार नहीं सकते। मजिस्ट्रेट सिर्फ पढ़ाई के दम पे बना है, हो सकता है उसने गलत फैसला कर दिया हो, उसके खिलाफ सुनवाई हो जाती है, जस्टिस के खिलाफ सुनवाई नहीं होती। जज जो बनते हैं ना, इसके लिए भी पढ़ाई प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके लिए भी पढ़ाई प्लस एक्सपीरियंस। जस्टिस आपके सिर्फ और सिर्फ पहुंच सकते हैं हाई कोर्ट, जज और जस्टिस दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ मजिस्ट्रेट नहीं बैठते, मजिस्ट्रेट बैठते हैं छोटे लेवल पे, दंडाधिकारी छोटे मोटे क्राइम और इन सबको सुन लेते हैं, लेकिन जज बैठते हैं एक्सपीरियंस के बाद। जो एडवोकेट रहा है ना वही जज बनेगा, मजिस्ट्रेट सीधे बन जाते हैं, कोई एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जज वो बनेंगे जिनका एक्सपीरियंस हो। ध्यान से सुनो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो में जज बनने की कंडीशन क्या है? हाई कोर्ट में जाना है तो पहली कंडीशन, आपने 10 साल तक क्या किस रूप में काम किया हो? एडवोकेट ही अधिवक्ता होता है। मान लीजिए कोई अधिवक्ता नहीं रहा तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपने 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हो जुडिशरी से जुड़ा हुआ, वो होना चाहिए न्याय के क्षेत्र से जुड़ा, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। ये दो कंडीशन है, आज तक लगभग जितने जज गए हैं वो एडवोकेट से ही बने हैं, हाई कोर्ट तक जो पहुंचे हैं। यहाँ घुसने का रास्ता है ये, 10 साल आप एडवोकेट रहे हैं तो आप हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, कोशिश करते हैं, सब नहीं बनते। हाई कोर्ट का रास्ता किस तरफ खुलता है? सुप्रीम कोर्ट। जिसने 5 साल तक किस रूप में काम किया हो? जज। कहाँ का जज रहा हो? या 10 साल तक वकील रहा हो, कहाँ का वकील रहा हो? हाई कोर्ट का। या राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो? बहुत बड़ा विधि का ज्ञाता, विधि का विद्वान, विधि वेत्ता, तब ये रास्ता खुलेगा। आम आदमी इतना नहीं पहुंच पाता, और जनरली लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे एडवोकेट या लॉयर बन के रह जाते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए पेशेंस भी चाहिए, 10 साल तक वकालत में आपका नाम जमा रहे तो शायद चांस है कि आप वहाँ पहुंच पाए, तो बड़ी चीज़ है यहाँ पहुंचना। देखो ज़रा पेज 140 पर हम पहुंचे, लास्ट पॉइंट था, पढ़ लिया ना, अगली हेडिंग स्टार्ट करनी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो, 124(3) के अनुसार कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा यदि वह, पहला पॉइंट करो, भारत का नागरिक हो, तो कॉमन सेंस से विदेशी को हम क्यों जज बनाएंगे। दूसरा, एक या अधिक हाई कोर्ट्स का लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, कितने साल तक जज रहा हो? 5 साल। क्या छोटे कोर्ट का जज बन सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट? अगर कोई तुमसे पूछे शंकु आकार तुम पढ़ के आए हो, इसमें सबसे ऊपर क्या था? सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, ये थे सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ। क्या कोई अधीनस्थ में 10 साल से वकालत कर रहा है तो यहाँ का रास्ता है उसके लिए? पहले कहाँ आना पड़ेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से आपका आगे प्रमोशन होगा। नेक्स्ट चेक कर लो इसमें, तो उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश, सब यहीं से जाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में, कौन से न्यायालयों में? हाई कोर्ट्स में, लगातार 10 साल तक अधिवक्ता या एडवोकेट रह चुका हो, लॉयर नहीं लिखा, एडवोकेट लिखा, एडवोकेट समझ गए ना, जो केस लड़ता है, लॉयर जो पढ़ता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, कितने ज्ञाता आज तक गए हैं? एक भी नहीं गया। ज्यादातर लोग कहां से जाते हैं? 5 साल जो जज रह गए ना उनको, क्योंकि उनको जजमेंट की अकल आ गई, उन्हीं को बनाते हैं। 8-10 लोग हैं बस, 10-11 जो कि वकील से बने हैं। पेज 141 पे आ जाओ, पहला पॉइंट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई कि, अंडरलाइन करना, सुप्रीम कोर्ट के सबसे एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया। 1973 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. Ray को भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया। कौन थी PM? ये इंदिरा गांधी, इसका मतलब दबाव था। नेक्स्ट कर लो, 75 में न्यायमूर्ति H.R. Khanna को पीछे छोड़ते हुए M.H. Begg की नियुक्ति की गई। बाद में ये खन्ना जो है ना, इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, वो अलग बात है कि हार गए थे, यानी जल सिंह जी जीत गए थे, पर इन्होंने कोशिश की थी कि इंदिरा को मैं नीचे, जैसे कहते ना एक तरह की कि मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे सुप्रीम कोर्ट का CJI नहीं बनाया, तो कॉम्पिटिशन में आने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन ये हार गए थे और यानी जेल सिंह जी जीत गए थे। जेल सिंह जी के भी अच्छे रिश्ते नहीं चले थे फिर राजीव गांधी के साथ, जिनके टाइम में इंदिरा का मर्डर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अंडरलाइन कर लो, अन्य की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, तो किसकी सलाह लेनी पड़ती है? CJI की। इस पूरी फैमिली का मुखिया कौन है? जितने जजेस हैं, देखो जितने जजेस यहाँ हैं, 1+ अलग अलग, 1+33 या जितने यहाँ बैठते हैं मजिस्ट्रेट या जो भी, ये सब अपना हेड किसको मानते हैं? तो जिसको लगाना है, यहाँ छोड़ दो, इसकी हम बात नहीं करते, बहुत बहुत सारे हैं ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन ये तो गिने चुने कितने हैं, ये 25 और एक ये, यानी टोटल जितने ये हैं, इन सब में जितने जज बनेंगे वो किसकी मर्जी और किसकी सलाह से बनेंगे? CJI। इसको ऐसे मान लो घर का मुखिया है, ये मुखिया की मर्जी अपने घर में किस मेंबर को एंट्री देगा और किसको नहीं देगा, तो सारी मर्जी CJI की चलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाए और चाहे हाई कोर्ट, क्योंकि इन सबके ऊपर ये बैठेगा, तो ये मेन आदमी है, इसकी मर्जी के बिना काम नहीं होगा। कौन चाहता था कि इससे ज़्यादा मेन हम बन जाएं? सरकार क्या ले आई थी? NJAG, जिसको इन्होंने केस करके खत्म करवा दिया।
नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, अगला पॉइंट पढ़ लो। इसका अर्थ ये हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है, पर फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से सलाह का क्या महत्व है, पूछ रहे हैं। क्या असलियत में हमारी सरकार चाहती है उसको बनाती है, या सीजीआई भी इंपॉर्टेंट है? सीजीआई भी इंपॉर्टेंट है, एनजैक सरकार की इंपॉर्टेंस पर था। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट पढ़ना, अगला सिर्फ रीड कर लो, ये 82 वाला। 82 से 98 के बीच ये विषय बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। शुरू में कोर्ट का विचार था कि चीफ जस्टिस की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। अकेला सलाह देता था या चार लोगों के बेंच के साथ? तो फिर कहा भाई माननी चाहिए, इनको ज्यादा अकल है। नेक्स्ट टिक कर लो, अगला पॉइंट पढ़ो। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की, इसके अनुसार, अंडरलाइन करो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। और किसका नाम देगा ये, जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा। एज मैटर करती है या काम गिना जाता है? काम गिना जाता है, एज नहीं गिनी जाती है यहाँ। कॉलेजियम पर आ जाओ, कॉलेजियम को फटाफट से पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की 20 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बदलकर उसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के लिए लाए गए न्यायिक सुधार, अगली लाइन इसी पॉइंट में लास्ट लाइन टिक करना, देश के 5 शीर्ष जज शामिल होते हैं, ये किया था इन लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, 1993 से, ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रणाली शुरू कर रखी थी? कॉलेजियम। कॉलेजियम किस से खत्म हुई है? एमओपी से, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अगला पॉइंट पढ़ लो, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में, अंडरलाइन करना, सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित कर दिया। अगला पॉइंट भी काम का है, 99वां संविधान संशोधन 2014, आज तक कितने संशोधन हो गए इस साल के अंत तक? 105, जिनमें से कौन सा पूरी तरह खत्म किया गया? 99वां। किसके खिलाफ था ये? सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां कैसे होंगी, कौन सी व्यवस्था थी पहले? कॉलेजियम। ये क्या लेकर आए? एनजैक। आज ना कॉलेजियम है ना एनजैक है, एमओपी से काम चल रहा है। टिक कर लो इसमें, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। तीसरी लाइन टिक करना पीछे, ये पूरी कर लो, कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने उच्च न्यायपालिका में, नेक्स्ट लाइन पीछे टिक करना, कॉलेजियम प्रणाली के स्थान लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था पुनः कार्यरत हो गई। क्या आज कॉलेजियम चल रहा है? लिखो यहाँ, लिखो वर्तमान में एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, वर्तमान में एमओपी। हाँ जी, क्या हुआ, इसको बाहर ले जाओ, पानी वानी पिला दो, कोई बात नहीं, ऐसे किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, इसको बाहर ले जाओ, पानी पिला दो थोड़ा सा। इस साल एक्चुअली ना तो बहुत ज्यादा ठंड आई है, जैसा कि दिसंबर में एक्सपेक्टेड होता है, अगर सर्दियों के कपड़े ना पहने तो ठंड लगती है, और पहन लेते तो लगता है जैसे गर्माहट है ना, अभी क्लास में ऐसा लग रहा है फैन चलवा दें। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से लास्ट पॉइंट कर लो, क्या लिखा तुमने, एमओपी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड लास्ट पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस गलत काम करें तो क्या हटा सकते हैं हम या नहीं हटा सकते? दो बेस होते हैं जजेस को हटाने के, इसको ध्यान से सुन लो, ऐसा नहीं है कि हमें ये जज की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, इसके दो बेस हैं सिर्फ। पहला क्या होता है? कदाचार, व्यवहार में गड़बड़ होना, मिसकंडक्ट, और दूसरा अक्षमता। इसको समझ लेना, अक्षमता का मतलब होता है आप सक्षम नहीं है। मान लीजिए कोई जज कितने साल तक रहते हैं सुप्रीम, 65 तक ना, सरकारी नौकरी कितने तक देते हैं? 60। 60 के बाद हटा क्यों देते हैं, क्या लॉजिक होता है 60 के बाद? ऐसा माना जाता है फिजिकली और मेंटली, ये पीछे वाले सुन लो कि क्या है, ये पॉइंट काम का है, अगर कोई फिजिकली और मेंटली देखें तो याददाश्त घटने लगती है, फिजिकली भी हो सकता है अनफिट हो जाए, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, जिसको हम आम भाषा में सठिया गए, तो 60 के बाद कहते हैं गड़बड़ ना कर दें, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। पर इनको मानते हैं कि भाई ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं तभी यहां तक पहुंचे हैं, इनका दिमाग जो है आम आदमी से ज्यादा सक्षम है। फिर भी मान लीजिए किसी को 62 साल में जाके, 63 में जाके कोई बीमारी हो गई, मानसिक रोग तो किसी को कभी भी हो सकता है ना, और उसको बीमारी हो गई, किसी को पता नहीं चला, वो जजमेंट उल्टी सीधी किए जा रहा है, तो उल्टी सीधी मैंने क्या बताया, इनको तो भगवान मान रखा है, इनकी उल्टी सीधी जजमेंट किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। अब किसी को लगता है कि यार इस आदमी को तो लगता है बीमारी हो गई है कोई, और ये सक्षम नहीं है, ये मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ा सा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको हटाने का आधार हो सकता है कि अब ये क्या नहीं रहा, ये सक्षम नहीं है, ये क्या हो गया, अब इसके अंदर अक्षमता आ गई, सक्षम से उल्टा हो गया, एक कारण।
दूसरा इसके व्यवहार में गड़बड़ है, मान लीजिए बहुत ज्यादा गुस्से वाला चिड़चिड़ा और ऐसा हो जाए किसी की ना सुने, मैं ही बेंच हूँ, भागो यहाँ से, तो गलत कर रहे हैं ना भाई। तुम्हारे ऊपर तो हम भगवान जितना विश्वास करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे भाई, इसका आचार व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या कहलाएगा ये? कदाचार, मिसकंडक्ट, और जिसके अंदर काबिलियत ना बचे। सिर्फ इन दो कारणों से आप जज को हटा सकते हैं, और आप नहीं हटा सकते, मैं और तुम तो कोई है ही नहीं हटाने वाले। इनको हटाने के लिए एक प्रोसेस चलता है पूरा, उस प्रोसेस का नाम कुछ नहीं है, वो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में कहा गया इनको लगभग वैसे ही हटाना है जैसे भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटता है। वो जो किताब है ना संविधान, इसको हटाने का प्रोसेस लिखा है, नाम लिखा है महाभियोग, इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। इनके लिए कुछ नहीं लिखा, इनके लिए अलग से एक फाइल बनाई और कहा उसी आधार पे हटा देंगे, उसी तरह से हटा देंगे जैसे किसको हटाते हैं, राष्ट्रपति को। कल ये प्रोसेस समझा दूंगी कौन से प्रोसेस से ये हटते हैं। चलो।